हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा थंबनेल में देख के। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो हाउ टू प्ले ग्राउंडेड शॉट, क्योंकि ग्राउंडेड शॉट इतना इंपॉर्टेंट है एक बैट्समैन के लिए। अगर आप वनडे खेल रहे हो या टेस्ट खेल रहे हो, इवन आप T20 भी खेल रहे हो, लेकिन T20 में आप कुछ लॉफ्टेड शॉट के साथ में रन अपने रन बना सकते हो, लेकिन वनडे और टेस्ट में जब तक आप ग्राउंडेड शॉट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आप कवर्स मतलब ग्राउंड पर चारों तरफ अब आप नीचे शॉट नहीं खेलोगे तो आपके रन ज़्यादा लंबे नहीं बन सकते हैं, आप ज़्यादा लंबी इनिंग बिल्ड नहीं कर सकते हो। जो आपने देखा होगा जितने बड़े मैचेस होते हैं उसमें सिंगल डबल्स में वो लोग अपने रन को कितना बिल्ड करते हैं, अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं। तो मैं आज का टॉपिक इसलिए मैंने ग्राउंडेड चूज़ किया है क्योंकि आप अपने इनिंग को कैसे बिल्ड कर पाएँ। तो बी हेयर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। आपको मैं आज का पूरा टॉपिक जो है वो आपको मैं पॉइंट्स में समझाऊंगा। पॉइंट्स में इसीलिए क्योंकि पॉइंट्स के थ्रू आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको एकदम डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको समझने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होगी। पॉइंट्स में मैंने इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है कि आपको कहाँ कहाँ ग्राउंडेड शॉट कैसे इंप्रूव करोगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे खेलना है। सबसे पहली एक जो टैगलाइन है ग्राउंडेड शॉट के लिए, आपकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ग्राउंडेड पे आप अब जमीन पे आप शॉट जब भी खेल सकते हो, मतलब ग्राउंडेड शॉट आप जब भी खेल सकते हो आपकी जब टेक्निक काफ़ी स्ट्रांग हो, फ्रंट फुट एज वेल एज बैक फुट, और इसके साथ साथ आपके हॉरिजॉन्टल शॉट भी अच्छे होने चाहिए, कट और पुल। मैं आपको पूरा सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। आपको पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट फुट से, फिर बैक फुट आपको बताऊंगा, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल बैट पर भी आएंगे। तो वीडियो बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट वॉच करते रहें। तो हम आज की जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रंट फुट शॉट से। सबसे पहले आपको एक स्टांस टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, बैट को कैसे होल्ड करना है वो भी आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको नहीं पता कैसे स्टांस लेना है, कैसे बैट को ग्रिप करना है, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, आपको वहाँ जाके थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अभी हम आज के टॉपिक में बात करते हैं। आप जब ग्राउंडेड शॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका फ्रंट फुट डिफेंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप सारे बॉल्स पे आप ग्राउंडेड शॉट नहीं खेल सकते। कोई बॉल जो आपको गुड लेंथ पे मिलेगा उस पर आपको फ्रंट फुट डिफेंस के लिए ही जाना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर आपका फ्रंट फुट डिफेंस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले फ्रंट फुट डिफेंस, मेरी एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा, उसके बाद हम ड्राइव से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फ्रंट फुट ड्राइव्स के ऊपर। आप अपने फ्रंट फुट ड्राइव को कैसे ग्राउंडेड रख सकते हो। सबसे पहले जो आता है, अगर आपको पता नहीं है कि हाउ टू प्ले फ्रंट फुट ड्राइव, आई हैड ए वीडियो ऑन फ्रंट फुट ड्राइव, यू कैन गो एंड चेक इन माय वीडियो लिस्ट, को वहाँ वीडियो मिल जाएगा हाउ टू प्ले फ्रंट फुट ड्राइव। तो आपको क्या करना है, आप जब फ्रंट फुट ड्राइव खेल रहे हो तो मेक श्योर आपका जो इम्पैक्ट हो, सबसे पहले बॉल होना चाहिए वो हाफ वॉली होना चाहिए, परफेक्ट हाफ वॉली। हाफ वॉली बॉल वो हो जाता है जो आपके फ्रंट फुट के रीच में लैंड हो रहा है। फ्रंट फुट का जो बॉल है हाफ वॉली होना चाहिए। दूसरा, आपका जो बैट और बॉल का इम्पैक्ट जो होगा वो इनसाइड द फ्रंट फुट होगा। आपको देख रहे हो मैंने एक बॉल नीचे कॉर्न पर प्लेस किया हुआ है, मैंने इसलिए प्लेस किया हुआ है सबको आइडिया मिल जाए। अगर आपका फ्रंट फुट यहाँ पर लैंड हुआ है और बॉल का अपने बैट से इंपैक्ट इनसाइड द फ्रंट फुट को किया है, बिलो द हेड किया है, तो बॉल के हवा में जाने के चांसेस बिल्कुल खत्म। आप मतलब बॉल को ग्राउंडेड रखने में एकदम सफल हो जाएंगे। अगर आपने सेम यही पैर को अपने बॉल से इतना दूर लैंड किया है और आपका इंपैक्ट हेड से इतना आगे हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉल ग्राउंडेड नहीं रहेगा, मतलब बॉल हवा में जाएगा और कहीं पर अगर हमने कवर्स पर ड्राइव खेला या सामने मिड ऑन पर मिड ऑफ पर ड्राइव खेला तो बॉल जाके सीधे हवा में या कैच हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, फ्रंट फुट ड्राइव खेल रहे हो तो आपका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका इंपैक्ट इनसाइड द फ्रंट फुट टो और बिलो द हेड होना चाहिए। अगर आपका हेड के एकदम एग्जैक्ट नीचे नहीं हुआ, हेड से आगे हुआ, तो आपका बॉल 100% हवा में ट्रेवल करेगा। सबसे पहला की पॉइंट आपको ये याद रखना है। आप जब फ्रंट फुट पर ड्राइव खेल रहे हो तो हमारा नेक्स्ट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि जब आप फ्रंट फुट ड्राइव खेल रहे हो तो आपका बॉटम हैंड चार्ज में नहीं होना चाहिए। मतलब बॉटम हैंड से आप फोर्स तो दोगे लेकिन आप एट द टाइम ऑफ इंपैक्ट आप बॉटम हैंड को ज़्यादा चार्ज में नहीं करोगे। अपने बॉटम हैंड का ज़्यादा यूज़ कर दिया तो बॉल फिर भी हवा में जाएगा, क्योंकि बॉटम हैंड से अगर आप यूज़ कर दोगे तो बैट का शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा यहीं पर। मतलब बॉल शॉट हिट करती है, बैट का शेप कुछ इस तरह का हो जाएगा और बॉल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे हवा में जाने के। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बॉटम हैंड को चार्ज में ला दिया तो फिर बॉल हवा में जाएगा और आप बॉल को ग्राउंडेड नहीं रख पाओगे। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब कोई भी शॉट खेल रहे हो फ्रंट फुट पे, स्पेशली आप जब उसको ग्राउंडेड खेलना चाहते हो तो आपकी बॉडी हमेशा फॉरवर्ड लीन रहेगी। फॉरवर्ड लीन मतलब आपने शॉट खेला हुआ है तो आपका पूरा बॉडी का वेट फ्रंट फुट पर होगा। अगर आपने बॉडी का वेट दोनों पैरों पर डिस्ट्रीब्यूट करके फ्रंट फुट ड्राइव खेला है तो बॉल फिर भी हवा में जाएगा और जितनी पावर से आपने मारा है उतनी पावर से जाएगा नहीं। अगर आपको बॉल को ग्राउंड पर रखना है तो ग्राउंडेड मारना है तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड लीन होगी, तभी आप ग्राउंड मार सकते हो। तो हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन पॉइंट थे बॉल को ग्राउंडेड मारने के लिए, सबसे पहला पॉइंट जो था कि आप जब बॉल को हिट कर रहे हो इनसाइड द फ्रंट फुट तो हिट करिए और बिलो द हेड हिट करिए। सेकंड पॉइंट था कि आपका बॉटम हैंड बिल्कुल भी चार्ज में नहीं आएगा, अगर बॉटम हैंड चार्ज में आएगा तो भी बॉल हवा में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट था आपकी बॉडी टोटली फॉरवर्ड लीन रहेगी, अगर आपकी बॉडी फॉरवर्ड लीन रहेगी तो भी बॉल हवा में जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान में रख के बैटिंग करोगे फ्रंट फुट पे तो आपका बॉल कभी भी हवा में नहीं जाएगा। आपको मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि आपको बॉडी कैसे रखनी है फॉरवर्ड लीन और बॉल को इम्पैक्ट कैसे करना है। तो कीप वॉचिंग द वीडियो। देखो मैंने कवर ड्राइव खेल दिया,
मैंने इसमें अपना जो ज्यादा ध्यान ज्यादा फोकस किया वो इम्पैक्ट पे किया है। इम्पैक्ट मेरी बॉडी से ज्यादा दूर ना हो जाए, इससे बॉल हवा में चला जाएगा। मैंने इसलिए अपना इम्पैक्ट बॉडी के पास में किया और बॉटम हैंड को बहुत रिलैक्स रखा, इसलिए बॉल ग्राउंडेड गया। ये फ्रंट फुट डिफेंस का बॉल था, मैंने टाइट हैंड से पुश कर दिया है तो बॉल अगर गैप में गया तो दो रन मिल जाएगा आराम से स्टार्टिंग पावर प्ले में। अब फुल टॉस बॉल को भी हाफ वॉली में कन्वर्ट करके ड्राइव लगा सकते हो, तो वो भी आप इसको भी ग्राउंड में रखने के लिए आपको ध्यान रखना है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके डन। अगर आप जब फ्रंट फुट ड्राइव खेल रहे हो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, जो आप स्ट्रेट ड्राइव खेल रहे हो, कवर्स पे खेल रहे हो, ऑन ड्राइव खेल रहे हो, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना मस्ट है, तभी आप बॉल को ग्राउंडेड रख सकते हो। अभी आपको फ्रंट फुट शॉट का आइडिया हो गया होगा, आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में आप रखोगे तो आप स्पिनर पे भी और साथ साथ मीडियम पेसर पे भी दोनों पे इसी तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बैटिंग करोगे तो बॉल 100% ग्राउंडेड रहने वाला है। अब बात करते हैं हम बैक फुट की। आप फ्रंट फुट पे ग्राउंडेड रखना सीख गए लेकिन बैक फुट पे भी आपको ग्राउंडेड रखना आना चाहिए, तभी आप अपनी इनिंग को बिल्ड कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैक फुट का बॉल होता कौन सा है। बैक फुट का बॉल होता है जो बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लैंड किया हो पिच पे। अब वो मैं आपको जब कोई स्पेसिफिक शॉट बताने जाऊंगा तब बताऊंगा कि वो बॉल किस लाइन पर लैंड किया है। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ मतलब गुड लेंथ से थोड़ा सा बॉल शॉर्ट जो गिरा हो उस पर आप जाके बैकफुट शॉट खेल सकते हो। तो मैं आपको बैकफुट ड्राइव बताता हूँ, आपको उसमें कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जो आपको जो फॉलो करने हैं जब आप बॉल को ग्राउंडेड रख पाएंगे। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है, आप जब बैकफुट ड्राइव खेलेंगे तो आपका इम्पैक्ट जो होगा वो एकदम बिलो द हेड होगा, हेड के एकदम एग्जैक्ट नीचे। अगर हेड से आगे हो गया तो भी देखेंगे आप, अगर हेड से आगे हमारा इम्पैक्ट होता है तो देखेंगे बैट का आर्क जो है वो लॉफ्ट हिट के लिए हो जाएगा, इसलिए हमारा इम्पैक्ट जो रहेगा वो एकदम एग्जैक्ट बिलो द हेड रहेगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे बॉल से इम्पैक्ट करेंगे तब बॉल ग्राउंडेड जाएगा, उसके बाद आप फॉलो थ्रू फिनिश करेंगे। सबसे पहला जब जो पॉइंट रहेगा आपका इम्पैक्ट बिलो द हेड रहेगा। आपका सेकंड की पॉइंट जो रहेगा, आप जब इम्पैक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आपका बॉटम एंड का फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए बॉल पे, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगना चाहिए बॉटम एंड का। जैसे सेम फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पर भी सेम रहेगा। अगर आपने आपके बॉटम एंड से बिल्कुल भी थोड़ा सा फोर्स जनरेट कर दिया तो बॉल के हवा में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर आपका बॉटम एंड बहुत ही स्लाइटली फोर्स के साथ में आप अप्लाई करेंगे। थर्ड की पॉइंट्स में ये है कि आप जब बैक फुट पे ड्राइव खेल रहे हो तो फ्रंट फुट पे आपकी बॉडी थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन रहेगी, ज़्यादा रहेगी, लेकिन बैक फुट पे इतना नहीं है। बैक फुट पे आपकी बॉडी फॉरवर्ड लीन रहेगी लेकिन इतना ही रहेगी। आपने जब शॉट खेला आपकी बॉडी बैक एंड क्रॉस मूव की, अपने इंपैक्ट करने के बाद आपका हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन रहेगा लेकिन इतना नहीं रहेगा जितना आपका फ्रंट फुट में रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें ज़्यादा अपना बैक बॉडी को फॉरवर्ड लीन कर दिया तो आपका बॉडी का वेट फ्रंट फुट पे चला जाएगा और शॉट में आप उतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पाओगे जितना एक्चुअली होना चाहिए। आपका बैक फुट शॉट जब खेल रहे हो आपका होल बॉडी वेट शुड बी ऑन बैक फुट, आपका बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड रहेगी, फॉरवर्ड लीन रहेगी लेकिन आपका बॉडी का वेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बॉडी का वेट आपका पूरा बैक फुट पर रहेगा, तभी आप बॉल में ज़्यादा फोर्स के साथ में आप शॉट खेल सकते हो। तो आप जब बैक फुट शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट जो है आपका इम्पैक्ट जो होगा वो एकदम हेड के एग्जैक्ट नीचे होगा, अंडर द हेड होगा, कुछ इस तरह से देखिए एकदम हेड के नीचे, हेड से आगे हो गया तो बॉल हवा में जाएगा। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि आपका बॉटम एंड चार्ज में नहीं रहेगा, आपके जो मेन फोर्स रहेगा वो टॉप एंड से रहेगा, बॉटम एंड से आपको खाली एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट थोड़ा सा फोर्स जनरेट करना है। थर्ड की पॉइंट जो है आपका बॉडी इसमें फॉरवर्ड लीन फ्रंट फुट की अपेक्षा थोड़ी कम रहेगी और आपका पूरा बॉडी का वेट बैक फुट पर रहेगा। तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हो ड्राइव खेलेंगे तो आप कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव तीनों जगह बहुत ही आराम से ड्राइव खेल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूँ एक्चुअली आपको बैक फुट ड्राइव खेलना कैसे है, और आप उस वीडियो में इम्पैक्ट देखिए, इम्पैक्ट कहाँ हुआ है, हेड की पोजीशन क्या रही थी, बॉडी फॉरवर्ड लीन है कि नहीं है, बॉटम एंड की पावर आप देख नहीं सकते वीडियो में, लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉटम एंड का पावर बहुत आपको रिलैक्स रखना है। तो कीप तो वॉच द वीडियो। ओके देखो मैंने जो बैकफुट कवर ड्राइव खेला उसमें इम्पैक्ट जो किया मैंने वो ऑलमोस्ट हेड के नीचे था, बॉटम एंड रिलैक्स था, बॉडी फॉरवर्ड ली थी तो बॉल बहुत अच्छे से मैंने ग्राउंडेड पर रख लिया। तो मैं इसमें थोड़ा फोर्स से मारता तो बॉल 100% हवा में जाता, या इम्पैक्ट थोड़ा जल्दी कर देता तो भी बॉल हवा में जाता। तो आप यहाँ पर मेरा इम्पैक्ट को नोटिस करिए, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है बैकफुट शॉट में, फ्रंट फुट शॉट में भी। कीप वॉचिंग द वीडियो। देखिए मैंने बैकफुट डिफेंस किया यहाँ पर, अगर मैं इसको बॉल को पुश करने जाता क्योंकि बॉल की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, बॉल को पुश करने जाता तो बॉल पक्का हवा में जाता, इसलिए आपको बॉल की हाइट भी मैटर करती है बैकफुट शॉट में। बॉल की हाइट ज़्यादा है तो आप बैकफुट डिफेंस के लिए जाइए, जब तक आपके ड्राइव का बॉल आपके अबव नी हाइट पर नहीं है आप बैकफुट ड्राइव के लिए मत जाइए। आपको ये बैकफुट शॉट का थोड़ा आइडिया हो गया होगा, लेकिन आपको ये शॉट स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू, आप डेली इनकी प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 महीने में आपके शॉट ही अच्छे होने वाले हैं।
दो तीन महीने नहीं तो कम से कम एक महीने से ऊपर लगने वाला है, तो आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में रख के बैटिंग करनी पड़ेगी। अब साथ साथ इसमें फ्रंट फुट ग्लांस, बैक फुट ग्लांस भी इसमें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। जब बॉल आपको डाउन द लेग मिल रहा है उसमें भी आपका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने इंपैक्ट आपका ग्लांस में आपका इंपैक्ट हेड से आगे हो गया तो बॉल हवा में जाएगा, अगर आपने इंपैक्ट एकदम एग्जैक्ट हेड के नीचे किया तो बॉल नीचे जाएगा। बैक फुट ग्लांस में सेम है, अगर आपने इंपैक्ट ज़्यादा हवा में अपने हेड से बहुत आगे किया तो बॉल हवा में जाएगा, अपने इनसाइड अपने हेड के एकदम नीचे किया तो बॉल नीचे जाएगा ग्राउंड पर। तो आपको शॉट ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया कट और पुल का बता देता हूँ, आप कट पुल को कैसे ग्राउंड पर रखोगे। तो मैं आपको आपको वीडियो नहीं दिखाता हूँ, आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। तो आपको मैं बैक फुट स्क्वायर कट बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है इंपैक्ट, मैटर करता है। अगर आपने बैक फुट स्क्वायर कट मारते हुए अपने अपना इंपैक्ट बॉडी के ठीक सामने किया, यहाँ पे किया, तो आप बॉल को एकदम सही डायरेक्शन में हिट कर पाओगे और ऑल्सो आप बॉल को ग्राउंडेड मार पाओगे। अगर आपने इंपैक्ट थोड़ा सा जल्दी किया, यहाँ पे किया, तो बॉल हवा में जाएगा, ऑलमोस्ट बॉल एक्स्ट्रा कवर के हाथ में जा सकता है। क्योंकि अगर आपने इंपैक्ट यहाँ पे किया तो आपका जजमेंट गलत हो गया। जजमेंट मींस आपने बॉल की स्पीड से बीट हो गए। आपको मैं छोटा सा एक हिंट और इसमें वीडियो थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जजमेंट मींस खाली बॉल की लाइन और लेंथ को पिक करना नहीं होता, जजमेंट मींस आपने बॉल की स्पीड को भी साथ साथ पिक किया है, बॉल कितना तेज आ रहा है या कितना धीमा आ रहा है, साथ साथ लाइन और लेंथ पिक भी किया लेकिन उसकी स्पीड को भी पिक किया। तो दिस इज द फुल जजमेंट ऑफ द बॉल। तो अगर आपने बैक फुट स्क्वायर कट में अपना इंपैक्ट एकदम एग्जैक्ट बॉडी के सामने किया तो बॉल को आप स्क्वायर पॉइंट रीजन में हिट कर सकते हो। और बॉल को राउंडेड रखने के लिए आपको इंपैक्ट के जस्ट आफ्टर बैक का फेस सेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बॉटम हैंड। सिमिलरली जब आप फुल शॉट खेल रहे हो, फुल शॉट के लिए भी आपकी इंपैक्ट जो होगा वो बॉडी के ठीक सामने होगा यहाँ पे, और इंपैक्ट के जस्ट आफ्टर आपको बैट का फेस बंद करना पड़ेगा। तो आपको मैंने हॉरिजॉन्टल बैट शॉट का थोड़ा सा हिंट दे दिया है। इसमें मैंने इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल बैट शॉट सबसे बाद में आप इंप्रूव करोगे, पहले आप वर्टिकल बैट शॉट इंप्रूव करोगे, फ्रंट फुट ड्राइव, बैक फुट ड्राइव। अगर आपने वीडियो बिल्कुल मिस करी है बीच में देखने से, तो आपको शॉट कहीं ना कहीं कुछ रह जाएंगे और आपके ग्राउंडेड शॉट एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। आपको ग्राउंडेड शॉट के बारे में कोई और क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, उसका आंसर भी वहाँ दे दूंगा, या फिर इफ़ पॉसिबल मैं उस पर कोई नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको क्रिकेट के बारे में कोई भी बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। आपको आज का टॉपिक कितना पसंद आया, गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।